आपने तो ड्रमस्टिक की सब्जी बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक फिश करी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से इसका बनाने का सारा प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिए हैं 500 ग्राम फिश, 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और ड्रमस्टिक 700 ग्राम, इसे हम सहजन की फली भी कहते हैं, 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही, ब्राउन और येलो मस्टर्ड सीड्स, 5 मीडियम साइज़ के टमाटर और आधा नींबू। और सूखे मसालों में लिए हैं हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और किचन किंग मसाला। अब सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू ज़रूर डालें, इससे इसका स्मेल कम हो जाता है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट बाद इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह वॉश करें और इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद इसे हम फ्राई करके रख लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें 4 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम धुले हुए ड्रमस्टिक को इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे हम एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। अब इसमें जो थोड़े से ऑयल बचे हुए हैं उसी में हम आलू को डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 4 टीस्पून ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे फिश फ्राई किया हुआ ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फ्रेश ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे। राई चटकते ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हम जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे उसका पेस्ट बना लिए हैं। अब हम प्याज को इसमें ऐड करेंगे और इसे भी 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। अगर आप इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे आप अगर हो सके तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबको 1 मिनट भुनने के बाद हम जो टमाटर लिए थे उसकी भी प्यूरी बना लिए हैं, उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम सभी को 5 मिनट के लिए ढक ढक कर भुनेंगे। अब जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम दूसरी साइड फिश को फ्राई कर लेंगे। आई बटन में पोटैटो फिश करी की वीडियो है, इसमें फिश फ्राई करना बताई हूँ, चाहे तो उसे देख लें। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो हम मसाला देख लेते हैं। अब मसाले से ऑयल अलग होने लगा है तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसे हम लगातार चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। आलूओं को हम पहले डालेंगे क्योंकि आलू गलने में थोड़े टाइम लेते हैं। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढककर 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। और जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो इसमें हम ड्रमस्टिक डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए
ढककर पकाएंगे ताकि ड्रमस्टिक भी अच्छे से गल जाए। 5 मिनट बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। उसके बाद इसमें हम फ्राइड फिश को डालेंगे। यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें फिश डालें और आपको इसकी करी जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। अब हम इसमें थोड़े से हरा धनिया डालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और लीजिए फटाफट से बन के तैयार है हमारा टेस्टी ड्रमस्टिक फिश करी। आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार इसे बनाने के बाद आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। खास करके ये ड्रमस्टिक फिश करी तो चावल के साथ खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ इसे शेयर करें।